हर हर महादेव और हर हर गंगे के उद्घोष से धर्मनगरी हरिद्वार गूंज उठा है। आज महाशिवरात्रि के मौके पर महाकुंभ का पहला शाही स्नान है। हरिद्वार में हर की पौड़ी पर शाही स्नान के लिए श्रद्धालुओं का जन सैलाब उमड़ पड़ा है। रात 12 बजे से लाखों लोग गंगा में आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। देखिए हरिद्वार में महाकुंभ का ये अद्भुत नज़ारा। अपनी टीवी स्क्रीन पर मौजूद इन तीन तस्वीरों को देखिए, भव्य नज़ारे को देखिए। पहली तस्वीर में जूना अखाड़े के संतों ने मोक्ष की डुबकी लगाई, तो वहीं दूसरी तस्वीर में घाटों पर श्रद्धालुओं की भीड़ के नज़ारे देखे गए। लाखों की संख्या में भक्त घाटों पर पहुंचे। तीसरी तस्वीर सबसे खास है क्योंकि पहली बार किन्नर अखाड़े ने कुंभ में शाही स्नान किया है। ये तस्वीरें सबसे अहम हैं। पहली बार किन्नर अखाड़ा इस पल का साक्षी बना है। कोरोना वायरस को देखते हुए महाकुंभ प्रशासन ने मेला क्षेत्र में 10 किलोमीटर पहले कुछ लोगों को रोक दिया, ताकि पहला स्नान कर रहे श्रद्धालु वहां से रवाना हो जाएं, उसके बाद दूसरे भक्तजन वहां आस्था की डुबकी लगा सके। इसी का जायजा लिया हमारे संवाददाता नरेश तोमर ने। धर्मनगरी हरिद्वार में आज आस्था का महाकुंभ है और इस कुंभ में जो श्रद्धालु हैं भारी संख्या में धर्मनगरी हरिद्वार पहुंचे हैं। 25 लाख से ज़्यादा लोगों ने गंगा में स्नान कर लिया है। दोपहर हो गई है लेकिन श्रद्धालु को जो है 11 नंबर की गाड़ी पर अपने कदम ताल करते हुए लगातार अपने गंतव्य की ओर जा रहे हैं। कुछ लोग स्नान के लिए जा रहे हैं, कुछ लोग स्नान करके वापस आ गए। हालांकि प्रशासन द्वारा उनको 8-10 किलोमीटर पहले ही रोक दिया गया था, जिससे कि हर की पौड़ी वो श्रद्धालु ना पहुँच पाएँ। लेकिन श्रद्धालु भी अपनी जिद पर अड़े हुए थे। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि कितने श्रद्धालु जो हैं लगातार पैदल 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 आते जा रहे हैं। और कितनी गर्मी है, धूप है, लेकिन उन पर किसी भी बात का कोई असर यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा है। श्रद्धा और भक्ति के आगे माँ गंगा के स्नान के प्रति उनकी श्रद्धा देखते ही बनती है। कुछ लोग हैं उनसे बात कर लेते हैं, आखिरकार उन्होंने भी 10-12 किलोमीटर पैदल चले हैं, हर की पौड़ी पर स्नान करने पहुँचे थे। वो कहाँ तक स्नान कर पाए, कितनी दिक्कतों का उन्हें सामना करना पड़ा। आखिरकार आस्था का ये महाकुंभ धर्मनगरी हरिद्वार में हो रहा है और इसमें वो पहुँचे हैं। भैया कहाँ से आप पहुँचे हैं बताइए ज़रा। मैं फरीदाबाद से पहुँचा हूँ, सुबह पहुँचा हूँ। मेरी गाड़ी बाईपास पे खड़ी हुई है और गाड़ी होते हुए भी मैंने कम से कम 12 किलोमीटर पैदल चला और इतनी हालत ख़राब हो गई कि छोटे छोटे बच्चे को लेके ये चल नहीं पा रहे हैं। और मैं तो क्या बताऊँ इस उत्तराखंड के एडमिनिस्ट्रेशन का कि सारे ये आम पब्लिक के लिए इतना हैवी एडमिनिस्ट्रेशन है क्या कि इन्होंने इतना ऐसा चकाचौंध लगा रखे हैं कि हर आदमी को इतना दिक्कत हो रही है, इतना परेशानी हो रही है कि हर आदमी अपने परेशान होके क्या मतलब क्या नहीं कह पा रहा है इस उत्तराखंड की सरकार को। तो मैं कुछ और उनसे बात करते हैं कि आप कहाँ से आए हैं, किस तरह दिक्कत का सामना करना पड़ा। जी बताइए। मैं गुजरात से आया, गुजरात से आया। कम से कम 6-7 किलोमीटर पैदल जाना, 6-7 किलोमीटर पैदल आना, इतना गर्मी में हालत ख़राब होती है। कोई सुविधा नहीं, कुछ भी सुविधा नहीं, न कोई पानी का ही जगह है, न वहाँ तक जाने के जाने भी नहीं दे रही पुलिस, रोक जगह जगह रोक दे रही है, बहुत दिक्कत हो रही है। अम्मा आपको कितनी दिक्कत हुई बताइए। माँ के तो यही है जो जितने लोग जानता है जो हम सुविधा कर रहे हैं उतने लोग का असुविधा हो रहा है। और दूसरा क्या है, माँ भी तो मर रही है रास्ता पैदल चलते, ना कोई सवारी जाने देते हैं, ना कोई सवारी पहुंचाने वाला कोई सुविधा है, ना कोई सरकारी उपलब्ध है, सुविधा नहीं दिया गवर्नमेंट। कोई कैसे दर्शन करेगा माता से, अब वही जो दौड़ने वाला होगा वही ना करला, हम लोग के उम्र का थोड़ी कोई करेगा, यही तो बात है। गणेश से देखा आपने इस महाकुंभ में जो है जो वृद्ध लोग हैं जो यहाँ स्नान करना पहुँचे उनको खासी दिक्कतों का सामना यहाँ पर करना पड़ा क्योंकि वो इतना चल नहीं पाते, लेकिन इस आस्था और माँ गंगा का स्थान उनको धर्मनगरी हरिद्वार तक ले आया और वो आज पैदल भी चले, थक गए, उन्होंने अपनी जो है नाराजगी भी जाहिर की, लेकिन आस्था के आगे सब कुछ फेल यहाँ पर नजर आया। जनता टीवी के लिए नरेश तोमर, हरिद्वार। कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और उत्तराखंड राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत आज काशीपुर पहुंचे। काशीपुर पहुंचकर उन्होंने नागनाथ मंदिर में महाशिवरात्रि पर्व के मौके पर शिवलिंग पर जलाभिषेक किया और पूजा अर्चना की, साथ ही मंदिर में मौजूद भक्तों को प्रसाद बांटा। इस दौरान हरीश रावत ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि केंद्र सरकार के द्वारा बीते दिनों रसोई गैस सिलेंडर के दामों में की गई बढ़ोतरी और पेट्रोल की कीमतों में वृद्धि को लेकर केंद्र सरकार पर जमकर निशाना भी साधा। उत्तराखंड में महाशिवरात्रि के पावन मौके पर श्रद्धालु बड़े ही हर्षोल्लास के साथ इसे मना रहे हैं। शिवालयों में सुबह से भगवान शिव के शिवलिंग में जलाभिषेक, रुद्राभिषेक और पूजा अर्चना की जा रही है, तो वहीं उत्तराखंड के
हल्द्वानी शहर में 25 किलोमीटर दूर भीमताल की पहाड़ी पर स्थित छोटा कैलाश में आज महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। श्रद्धालु सुबह से ही छोटा कैलाश की तरफ जाने लगे और अपने आराध्य देव भगवान शिव की पूजा अर्चना करने लगे, जलाभिषेक रुद्राभिषेक करने लगे। बड़ा महत्वपूर्ण दिन है और ये हमारे कुमाऊं के लिए बड़ा प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है जिसे छोटा कैलाश नाम से हम जानते हैं। और इसका महत्व यह है कि यह कैलाश यात्रा है उसके निमित्त उसी के बराबर इसका पुण्य माना जाता है। और महाशिवरात्रि के दिन यहाँ पर एक जो मेला आयोजित किया जाता है, इसमें कुमाऊं भर से लोग यहाँ पर आते हैं, अल्मोड़ा, नैनीताल जनपद, चंपावत, क्योंकि ये सीमांत जनपदों से लगता हुआ क्षेत्र है तो इसका विशेष महत्व है। और क्योंकि शिव सब जगह वास करते हैं और शिव कैलाशी के कैलाशों के वासी और ये छोटा कैलाश नाम से जगह प्रसिद्ध है। इस तरीके से ये छोटा कैलाश एक तरीके से शिव जी का निवास स्थान है जहाँ सभी लोग अपनी भक्ति भाव के साथ भगवान भोलेनाथ को मनाने आए हैं। छोटा कैलाश के बारे में बहुत सुना था, ऐसा कहा जाता है कि कैलाश मानसरोवर की यात्रा के बराबर ही इसका महात्म्य होता है। जो लोग मतलब वहाँ जाने में सक्षम नहीं हो पाते तो उनको इस यात्रा का पुण्य भी। पूरे देश के साथ साथ उत्तराखंड में भी शिवरात्रि की धूम देखी जा रही है। शिवालयों में भक्तों ने भोलेनाथ का रुद्राभिषेक किया, मंदिरों में हर हर महादेव के जयकारे लगाए। ये तीन तस्वीरें, तीन जगहों की तस्वीरें इस समय हम आपको दिखा रहे हैं, लक्सर, हरिद्वार और चमोली की, जहां शिव की भक्ति में रंग में रंगे श्रद्धालु भोलेनाथ पर जल चढ़ा रहे हैं, उन्हें खुश करने की कोशिश कर रहे हैं। महाशिवरात्रि का पर्व है और आप देख सकते हैं मेरे पीछे प्राचीन शिव मंदिर पर श्रद्धालुओं की भीड़ लगी हुई है, एक के पीछे एक लंबी कतार है। वजह यह है कि महाशिवरात्रि के पर्व को खास माना जाता है क्योंकि ये मनोकामना पूर्ण करने वाला पर्व है। यहाँ पर ये लक्सर के शिवलिंग का सबसे प्राचीन मंदिर है। पुजारी जी मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे किस तरह की व्यवस्था है। आज महाशिवरात्रि पर इस तरह की भीड़ देखने को मिल रही है, क्या कहेंगे, इतनी आस्था के साथ लोग आ रहे हैं, आप कहना क्वेश्चन की जरूरत है उसका भी आपने ध्यान रखा होगा। एक प्राचीन शिव मंदिर चिंगली लगता है, यहाँ बहुत पुराना मंदिर है और लोगों की आस्था और विश्वास जुड़ा हुआ है, लोगों की मनोकामनाएं पूरी होती हैं। इस कोरोना काल में लोगों ने कुछ ने मास्क लगाया हुआ है, कुछ ने कपड़ा लपेटा हुआ है और सुबह से ही भगवान भोलेनाथ के छोटू पूरे साल में दिया तो कह जाता है दिन का, सब लोग सुबह 4 बजे जल चढ़ाने के लिए। सुबह श्रद्धालुओं ने यह भी कहा है कि हम अपने परिवार, समाज, राष्ट्र की सुख शांति की कामना करते हैं लेकिन साथ में कोरोना महामारी भी खत्म हो, ये सबका संकल्प है। यही भोलेनाथ से आज प्रार्थना की जा रही है। जसवीर सिंह, जनता टीवी, लक्सर। विश्व प्रसिद्ध भगवान केदारधाम के कपाट 17 मई को सुबह 5 बजे भक्तों के दर्शनार्थ खोल दिए जाएंगे। पंच केदार, गद्दी स्थल, ओंकारेश्वर मंदिर, उखरी मठ में आचार्य की मौजूदगी में महाशिवरात्रि पर्व पर ये शुभ मुहूर्त निकाला गया है। परंपरा के अनुसार महाशिवरात्रि के मौके पर हर साल पंच केदार, गद्दी स्थल, ओंकारेश्वर मंदिर, उखरी मठ में भगवान केदारनाथ धाम के कपाट खोलने का दिन निकाला जाता है। इसी परंपरा के चलते आज मंदिर में पूजा अर्चना के बाद पंचांग पूजा की गई। कपाट खोलने के लिए ऊखी मठ में भगवान भैरवनाथ की पूजा 13 मई को होगी। बाबा केदार की चल विग्रह डोली पहले ऊखीकट से प्रस्थान कर 14 मई को फाटा विश्राम के लिए पहुंचेगी, जबकि 15 मई को गौरीकुंड और 16 मई को केदारनाथ धाम पहुंचेगी, जहां 17 मई को सुबह 5 बजे भगवान केदार धाम के कपाट खोल दिए जाएंगे। वहीं उत्तराखंड के चारों धाम में से बद्रीनाथ धाम के कपाट खोलने की तारीख तय हो चुकी है। चमोली जिले के बद्रीनाथ धाम के कपाट 18 मई को श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए जाएंगे। धाम के कपाट विधि विधान के साथ प्रातः 4:15 पर खोले जाएंगे। आपको बता दें कि पंच बसंत पंचमी के
मौके पर नरेंद्र नगर राज दरबार में आयोजित समारोह में बद्रीनाथ धाम के कपाट खोलने की तिथि तय हो चुकी है, जबकि गंगोत्री और यमुनोत्री के कपाट पर साल अक्षय तृतीया के दिन खुलते हैं। गौरतलब है कि चार धाम यात्रा पर विगत साल कोरोना का बड़ा असर पड़ा था। सभी धामों पर पहुंचने वाले कुल श्रद्धालुओं की संख्या 4,48,000 रही, जबकि यही संख्या पिछली साल रिकॉर्ड 34,10,000 थी। यही स्थिति धामों की कमाई की रही। सालाना 55 करोड़ की कमाई इस बार 8 करोड़ पर सिमट गई। प्रदेश में साफ सुथरी छवि के मालिक आईएएस शैलेश बगोली को मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने अपना सचिव चुना है। अभी तक बगोली परिवहन सचिव शहरी विकास आवास थे। इसके अलावा वे उत्तराखंड नगर विकास प्राधिकरण के मुख्य प्रशासक भी थे। साथ ही शैलेश बगोली साल 2002 बैच के आईएएस अधिकारी भी रह चुके हैं। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। Never miss any update.